हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम विकास। सो आज हम डिस्कशन करेंगे कमर्शियल पेपर के बारे में। कमर्शियल पेपर बेसिकली जब भी कंपनी को पैसा का रिक्वायरमेंट होने पर इशू किया जाता है। एक शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसको कोई कंपनी या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इशू किया जाता है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 7 डेज से लेकर 1 ईयर तक है। ये बेसिकली डिस्काउंट में इशू किया जाता है। डिस्काउंट मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट का प्राइस 100 है तो अगर कोई खरीदना चाहेगा तो उसको 90 रुपीज़ में इशू किया जाएगा। इसका मिनिमम अमाउंट 5 लाख एंड मल्टीपल ऑफ 5 लाख है, लाइक 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख एक्सेट्रा। से बेसिकली एक ब्रिज फाइनेंसिंग की तरह काम करेंगे। कैसे, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज कोई कंपनी मार्केट में शेयर इशू करना चाहता है पब्लिक को। सो पब्लिक को जब इशू करेगी तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होगा, लाइक प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, अंडरराइटिंग कमीशन देना पड़ेगा, लीगल फीस भी लगेगी और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी होगा। सो इन सारे खर्चों को हैंडल करने के लिए कंपनी क्या करती है, कमर्शियल पेपर इशू कर लेती है। कमर्शियल पेपर शेयर से लेकर पब्लिक इशू तक एक ब्रिज की तरह काम करती है। सो इसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग कहते हैं। आई होप आपको कमर्शियल पेपर समझ में आ गया होगा। सो इस तरह की शॉर्ट वीडियोस चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको रोज़ ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।